top 10 private B schools in India. Our focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech, excellence with values. और ना ही उन्होंने रोजगार के जो बोला था कि हम 5,00,000 रुपये प्रति किसान तय कर देंगे, हमारे पास रोजगार तो नहीं है लेकिन हम 5,00,000 रुपये प्रति किसान देश बना देंगे। और इसलिए हमने किसान संगठनों ने निर्णय लिया है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पेट्रोल दादरों की तरफ से कि हमने 25 तारीख को पूरे NCR की महापंचायत पी लखपतपुर गाँव में बुलाई है। 25 जून को 25 शहर 2017 को हमने ग्रेटर नोएडा एक्सटेंशन जो दादरी क्षेत्र है उसके बीच अकबरपुर गांव में पूरे NCR के किसान संगठनों की महापंचायत बनाई। अगर हमारी मांग 25 तारीख तक पूरी नहीं की जाती है तो हम जितना भी निर्माण कार्य पूरे ईस्टर्न पेरिफेरल में चल रहा है उस पूरे निर्माण कार्य को बंद कराएं, ऐसा हम इससे पहले से ही तय कर चुके हैं। 25 मई तक ना, 25 जून तक अगर हमारी मांगे पूरी नहीं तो हम पूरा ईस्टर्न पेरिफेरल का पूरा निर्माण कार्य बंद कराएंगे। सर, जॉब नौकरी के बजाय 5,00,000 रुपए देने का वादा किसने किया था? ये प्राधिकरण NHAI ने, नए काम के अंतर्गत है। उसमें लिखा है कि अगर कोई जो जॉब क्रिएटिव डिपार्टमेंट नहीं है वो 5,00,000 रुपये प्रति 25 वर्षीय व्यक्ति, हर 25 वर्ष का व्यक्ति जो है उसमें परिवार माना जाएगा चाहे वो अनमेरिड हो। और मुख्यमंत्री महोदय ने भी उस पर सहमति जताई थी कि कानून के अंतर्गत जो भी है उसका जागरूक मुआवजा बनता है, इनको रोजगार बनता है या उसको बदलने पर जिला प्रशासन ने उसमें कोई सक्रिय भूमिका नहीं निभाई है। इसलिए किसान 3 महीने से बैठे हैं, तो इसलिए इसमें 25 तारीख का हमने जो निर्णय वहाँ पंचायत कर लिया है और हम निर्माण कार्य को बंद कराएंगे। और इसके साथ ही एक और सूचना है कि 21 तारीख को परसों पूरे देश भर में जो मंदसौर की घटना हुई है, किसानों का जो वहाँ पर गोली कांड हुआ है उसकी CBI जांच और राष्ट्रीय कृषि नीति बनाए जाने की मांग को लेकर के, और तीसरा उसमें बिंदु यह है कि जो किसान आयोग बना था जिसमें स्वामीनाथन आयोग ने रिपोर्ट दी थी उसको अभी तक पूरे देश में लागू नहीं किया गया है, जिसमें फसलों का उचित दाम जो है 1.5 गुना हो जाना चाहिए था, स्वामीनाथन आयोग ने सुझाव दिया गया। तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट तुरंत लागू किए जाने और CBI जांच करके इन दोषियों को सबको पुलिस वालों को सबको जो है कड़ी से कड़ी सजा दी जाए तथा राष्ट्रीय कृषि नीति बनाई जाए, इन तीनों मांगों को लेकर के परसों 21 तारीख को केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार योग दिवस मनाएगी ग्राउंड में और ऑडिटोरियम में। और किसान उस योग वाले दिन अपनी शोक सभा हाईवेज पर करेंगे, राष्ट्रीय राजमार्गों पर जो नेशनल हाईवे है NH 91 है, राष्ट्रीय राजमार्ग 91 जो दादरी से लेकर के बुलंदशहर जाता है, इस पर जो हमारा किसान संगठन है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे प्रतिरोध आंदोलन, किसान अधिकार आंदोलन, ये दोनों हमारे साथी और भारतीय किसान यूनियन अंबावता गुट अन्य सहयोगी संगठन मिलकर के हाईवे पर बैठेंगे और वहीं पर श्रद्धांजलि सभा शोक सभा का आयोजन किया जाएगा। हमारा जो समय रहेगा वो सरकार का समय 9 बजे तक है सुबह से और हमारा 9 बजे से स्टार्ट होगा। तो पूरे राष्ट्रीय राजमार्ग जो है उनका सभी पे अलग अलग जिम्मेदारियाँ हैं, हमारा NH 91 पर चक्का जाम रहेगा। कितने बजे तक रहेगा ये? 3 घंटा कम से कम। ये आपने जो ना बैठ कर रहे हैं, चाहे हमें पुलिस में अगर ताकत है जिला प्रशासन में या पुलिस में तो हम पर गोली चलाए, हम देखना चाहते हैं कि किसान में ताकत ज़्यादा है या इनकी गोलियों में ज़्यादा ताकत है प्रशासन की। अगर उन्होंने जिस तरह से मंदसौर में घटना की है तो दोबारा हाथ लगा के देख रहे हैं, पूरे किसान हम मंदसौर वाले किसानों के साथ हैं, उन्होंने 5-6 मारे हम 50-60 भी मरने के लिए तैयार हैं, वो अपनी तरफ से कार्रवाई करें, हम आगे पूरा उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं, पूरे देश भर के किसान एक साथ।
सर जब योगी जी से मीटिंग हुई थी प्रतिनिधि मंडल की, तो उस टाइम एनएचएआई का या अथॉरिटी का कोई ऑफिसर आपके साथ था वहाँ पे, किसी को निर्देश दिया गया था? एनएचएआई के जो पीडी है प्रोजेक्ट डायरेक्टर, किशोर कान्याल, ये भी वहाँ मौजूद थे, और जिलाधिकारी एनपी सिंह, सीजीआई बीएस सिंह, इस टाइम का बीएन सिंह है, उस टाइम का एनपी सिंह, एनपी सिंह थे, अपना जिलाधिकारी एनपी सिंह थे, एसडीएम सदर और पीडी आपने जो दो खबरों को जो है इसमें मैच कर दिया, कमेटी बनाई हुई है जिसमें मीडिया वाले प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं, तो बाजार दर का चार गुना मुआवजा उसमें नई गाँव में है, ग्रामीण क्षेत्र में, तो गाँव का तो ये है कि बाजार दर का चार गुना उनको दिया जाए, और जो शहरी क्षेत्र है जहाँ पर बीते ग्राम पंचायतों का चुनाव खत्म कर दिया है, तो माननीय हाईकोर्ट ने उसमें ये भी करके खत्म किया था कि ये शहरी औद्योगिक क्षेत्र में गाँव आ गए हैं, माननीय हाईकोर्ट ने जब ये कहा है कि शहरी औद्योगिक क्षेत्र में गाँव आ गए हैं, तो उनको कानून में ये प्रावधान है कि जो शहरी क्षेत्र है उसमें बाजार दर का दोगुना दिया जाएगा, तो हमें ग्रेटर नोएडा का शहरी पार्ट मानते हुए जो ग्रेटर नोएडा की बाजार दर है उसका दोगुना दिया जाए, ये ऐसा ना हो कि हमें ग्रामीण क्षेत्र का दोगुना देते हैं ग्रेटर नोएडा के गाँव में, ऐसा धोखा ना हो जाए हमारे। 5 वर्ष से ज़्यादा किसान का कब्जा रहा है, ठीक है, ये सब पुराने जब कानून अधिकरण वहाँ नया कानून लागू है, इसलिए पुरानी जमीन पर भी सेम सारी सुविधाएं चाहिए।